जय गुरी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आपके सबके सामने अपने सत्संग शेयर कर सकूं। आज जब मैं पहुंचा तो आरती आंटी ने मुझसे पूछा कि आप सत्संग शेयर करोगे, सो आई वाज लिटिल बिट सरप्राइज एंड अमेज एज वेल कि मैं पिछले 2 वीक से सोच रहा था कि शुक्राना करूं, बट हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोलूं, बट आज गुरु जी ने खुद पिक किया कि मैं सत्संग शेयर करूं आप सबके सामने कि मैं कैसे गुरु जी महाराज से जुड़ा और कैसे यहाँ पहुँचा। तो मैं सोचता रहा पूरे टाइम सत्संग सुनते हुए आज, क्योंकि एक्चुअली मैं ओवर थिंकर भी हूँ और ओवर एक्सप्लेनर भी हूँ। तो जब आप दोनों होते हो और जब गुरुजी से जुड़ जाते हो तो आप सोल कनेक्ट हो जाते हो, जब सोल कनेक्ट होते हो आप एक हो जाते हो। तो मैं शुरू करना चाहूँगा कि मैं लास्ट ईयर गुरुजी महाराज से जुड़ा मई 2023 थ्रू माई फैमिली। तो मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगा, पूनम आंटी और अंकुर अंकल जी जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, कि वो मुझे इस दरबार में लेके आए और मैं गुरुजी महाराज के चरणों में आ सका। तो सबसे पहले सत्संग मैं स्टार्ट करूँगा, जो मेरा पहला सत्संग था जो कि मेरी माँ से रिलेटेड था। लास्ट ईयर जब मेरे पेरेंट्स इंडिया से आ रहे थे, तो एक्चुअली क्या है कि कुछ भी होता है पेरेंट्स से रिलेटेड तो मेरा पैनिक बटन ऑन हो जाता है। तो मेरे पेरेंट्स आ रहे थे, एयरपोर्ट में फंसे हुए थे और लगेज के इश्यूज चल रहे थे थोड़े, तो एयरलाइंस थोड़ा हार्ड टाइम दे रहे थे उनको। तो मेरे मदर पापा पैनिक हो जाते हैं जल्दी, मदर बैठे उन्होंने कहा ठीक है मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ, बट चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो अचानक से मेरी एज का एक लड़का उनके पास आया कि आंटी परेशान क्यों हो रहे हो, चलो मेरे साथ मैं देखता हूँ। ही क्विकली सॉर्ट आउट थिंग्स, सब कुछ हो गया। तो मदर मेरे बोले कि ये तो अमेजिंग है, अचानक कैसे, ये कहाँ से कौन आ गया। कि मेरे को आके वो बोलते हैं कि बेटा मेरे को लगा जैसे तू ही आ गया बस मेरे सामने। और मैं उसको बहुत प्यार दिया उस बच्चे को, सिर पे हाथ फेरा कि थैंक यू सो मच की हेल्प की। तो मैंने तब नया नया कनेक्ट ही हुआ था गुरुजी से, तो मैंने कहा मम्मी मैं नहीं था, वो कोई और नहीं था, वो गुरुजी महाराज खुद थे जिन्होंने आके आपकी हेल्प करी राइट अवे और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और आपकी स्मूथ जर्नी हुई। तो उसके बाद से एक्चुअली मेरी मदर भी कनेक्ट हो गए, वो भी आने लग गए साथ में, उन्होंने गुरुजी महाराज को अपना भाई मान लिया। तो इस तरह से गुरुजी मेरे मामा हो गए। तो ये था एक मेरा पहला सत्संग। उसके बाद 3-4 छोटे छोटे क्विकली जो रिसेंट सत्संग हैं वो शेयर करना चाहूँगा। आरती आंटी प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा टाइम का, अदरवाइज आई विल बी कीप गोइंग। तो पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगा जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन का। मैं और मेरा बेटा आना चाह रहे थे जुलाई को 7th को यहाँ पे सेवा करने के लिए, किसी रीजन से थोड़ा लेट हो गए पहुँचे। तो कहा चलो ठीक है जो भी सेवा मिलेगी जितनी भी मिलेगी हम दोनों करेंगे, बेटा 9 ईयर का है वो भी कनेक्टेड है, वो भी साथ आता है मेरे मोस्टली संडेज को। तो हम आके बैठे, सबसे पहले तो ये हुआ कि गुरुजी महाराज ने हमें चूज़ किया उस दिन चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए। वी बोथ वर अमेज्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आंखों में आंसू थे कि गुरुजी महाराज आपने इतनी अपने बर्थडे वाले दिन चूज़ किया हमें दोनों बाप बेटे को। फिर हम इस नीचे गए, हम चलो जो भी सेवा मिलती है देखते हैं। तो हम बाप बेटा दोनों ये थोड़े टाइम के और नंबर के क्रेजी हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। और पहला ही जो सेवा मिली हमें मिली कि टोकन सॉर्ट आउट करने हैं नंबर से रिलेटेड। माय सन वाज हैप्पी कि चलो ठीक है ये तो मेरे काम का है। नीचे हम वो सॉर्ट कर रहे हैं, टेंट के नीचे खड़े हैं, बहुत अच्छा वेदर था, एवरीवन नोस कि बहुत अच्छा वेदर था उस दिन। हम खड़े हैं और कर रहे हैं सॉर्ट, अचानक से हम दोनों में पानी गिरता है। हम दोनों ऊपर नीचे देख रहे हैं कि ये कहाँ से आया। वो मेरे से पूछ रहे हैं पापा ये कहाँ से है। मैंने कहा बेटा ये तो गुरुजी महाराज ने जल वर्षा किया, आज हम पे बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं वो हमें। तो वी आर सो हैप्पी। वो जुलाई था। उसके बाद सितंबर अगस्त में एक्चुअली मेरी दादी पास अवे हो गए थे इंडिया में। उससे 2 दिन पहले मैं यहाँ गुरुजी महाराज के पास बैठा था, चरणों में उनके ध्यान लगा हुआ था। मुझे 2 दिन पहले ही उन्होंने दिखा दिया कि मैं तेरी दादी को लेने आ गया हूँ। साथ में मेरे चाचा भी थे जो 20 साल पहले जा चुके हैं। तो ये गुरुजी महाराज ही हैं जो सब उनकी जर्नी ख़त्म हुई, उनको दिखता नहीं था काफ़ी सालों से, बिना कष्ट के बहुत स्मूथली वो गए। तो शुक्राना गुरुजी कि उनको अपनी चरणों में जगह देने के लिए। और उसके नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने महसूस किया कि मेरी दादी गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं।
इससे ऊपर ब्लेसिंग कोई गुरुजी महाराज की हो ही नहीं सकती, तो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट। उसके बाद सितंबर का सत्संग सुनाओ तो ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, मेरे को कपल ऑफ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए मेरे को इंडिया जाना था हेल्थ टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं प्लान नहीं कर पा रहा था कुछ भी, सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी चीज़ें कि कैसे जाऊँ क्या करूँ। अचानक से दो दिन पहले टिकट बुक होती है, प्लान होता है, मैं अपनी सिस्टर से भी 6 साल से नहीं मिला था, सबसे पहले मैं अपनी सिस्टर के पास गया कोटा, उसके बाद मैं पंजाब गया ट्रीटमेंट के लिए, 10 दिन वहाँ रहा, उसके बाद 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद फ्राइडे को लुधियाना पहुँचा, अपने फ्रेंड्स से मिलना था, पंजाब से स्टडी की हुई है तो फ्रेंड्स हैं 2-3 वहाँ पे, एक दिल्ली से आया है, 2 लोकल, दो फ्रेंड्स को 15 साल बाद मिला वहाँ पे भी। हम होटल में बैठे थे, प्लान था कि डुगरी जाएंगे या बड़े मंदिर जाएंगे, तो बहुत माइंड में कन्फ्यूज़न थे कैसे जाएं, कुछ नहीं पता, कभी गए नहीं हैं, तो वही बैठे यहाँ पे। इवन सुनील अंकल को भी मैंने कॉल की कि सुनील अंकल को मैसेज किया कि मेरे को बताओ कैसे क्या सिस्टम है, किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया उनसे, कॉल उन्होंने की उठा नहीं पाया, बात नहीं हो पाई, तो मैंने चलो ठीक है देखते हैं। प्लान था कि फ्राइडे को पहुँचाऊँ रात को, सैटरडे को डुगरी जाऊँगा, कुछ भी नहीं पता था, और संडे को फ्रेंड्स टाइम स्पेंड करेंगे, लोकल घूमेंगे और मिलेंगे, एक दो फ्रेंड्स लोकल हैं। इतने में एक फ्रेंड कहता है नहीं यार सैटरडे को तो मैं, संडे को तो मैं नहीं मिल पाऊँगा, मेरे को तलवंडी साहब जाना है, फैमिली के साथ प्लान है, तो ऐसे कर सैटरडे को मिलते हैं, अपने साथ रहते हैं होटल में, टाइम स्पेंड करेंगे सभी मिलके, और फिर संडे को चल जाना। और इतने में पता लगा कि एक्चुअली फर्स्ट संडे था वो, और डुगरी का ओपन दर्शन सिर्फ फर्स्ट संडे को ही होते हैं, तो ये गुरुजी महाराज का ही प्लान था कि मैं संडे को जाऊँ। फिर एक फ्रेंड गया साथ में जो दिल्ली का था, हम दिल्ली के लिए साथ निकले, डुगरी में बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली, तो दर्शन करके हम दिल्ली के लिए निकले। फिर नहीं पता था कि दिल्ली का मंदिर कब कैसे खुलता है, तो बात हो रही है मेरे फ्रेंड के साथ होटल में बैठे हो गई थी, मैं कहा यार दिल्ली का पता नहीं कैसे है, बड़े मंदिर कैसे जाएंगे, वो बोलता है कि अरे यार मैं तो जब छोटा था तुम्हारे तो लोकल एरिया से बसेस जाती थी, मैं तो गया हुआ हूँ तो मैं यही सोचूं बगल में छोरा शहर में डिंडोरा मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई हेल्प कर दे बट साथ है बंदा वो, तो गुरुजी महाराज साथ ही थे कि चिंता ही मत करो। तो फिर दिल्ली गए, दिल्ली दर्शन किए, सब कुछ हुआ, फिर एट दी एंड मेरी भांजी IIT में सिलेक्ट हुई थी लास्ट ईयर, तो 1 साल हो गया था, उसको भी नहीं मिला था 6 साल से, उसको मिले, उसके साथ उसका बर्थडे था अक्टूबर में, तो प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया उसके फ्रेंड्स के साथ, केक काटा हॉस्टल में जाके और सेलिब्रेट किया। उसके बाद एट दी एंड जब फ्लाइट के लिए आया तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया, तो मैंने कहा इस बार तो ना मेरा प्लान इतना परफेक्ट था कि लाइफ में किसी का भी नहीं हो सकता, अचानक बना और परफेक्टली एंड हुआ, स्टार्ट से लेकर एंड तक, फैमिली से मिला, दोस्तों से मिला, गुरुजी के दर्शन हुए, भांजी से मिला एट दी एंड, तो मैं अपनी मदर को बोल रहा हूँ बेबे मेरे तो 4 धाम हो गया आज कि सब कुछ पूरा हो गया, तो शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर दैट एज वेल। लास्ट सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि शुक्राना है, हर सत्संग ही शुक्राना है गुरुजी महाराज का, वो शेयर करना चाहूँगा कि अभी 10 अक्टूबर को, अक्टूबर में वापस आया था फर्स्ट वीक, 10 अक्टूबर को वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, कार स्टॉप थी और पीछे से आगे किसने ठोक दी बहुत ज़बरदस्त, जैसे ही उसने कॉल की शाम का टाइम, तो बेटा साथ था उसके पीछे बैठा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, भाग के कुछ नहीं समझ आया, भाग गया बस जल्दी पहुंचूं, 1 माइल था घर से, 5 मिनट में पहुंच गया, देखा गाड़ी की हालत, होश उठ गए कि चोट लगी होगी पक्का क्योंकि पीछे से गाड़ी टोटल थी इतनी ज़बरदस्त हिट हुई थी, दोनों को बाहर निकाला देखा दोनों परफेक्टली फाइन है, माइनर इंजरी, थोड़ा हेड बम्प हुआ था बेटे का पीछे से थोड़ा सा, और वाइफ के भी थोड़े से नेक में जर्क हुआ, तो इतने में दोनों बाहर साइड पे खड़े हो गए कि ठीक है पुलिस अपना काम कर रही है करने दो, साइड में खड़े हो गए, स्ट्रेस डेफिनेटली हाई था बट शुक्राना था गुरुजी महाराज को उस वक्त भी कि गुरुजी आपने बचा लिया दोनों को, कुछ भी खरोंच तक नहीं आई इनको उस हिसाब से देखें तो, जिस हिसाब से हिट था, तो शुक्राना उसका। इतने में हम खड़े हैं, दोनों की नज़र पड़ती है नीचे ऐसे, और मैं देखता हूँ कि मैं भाग के आया हूँ, दो नंबर छोटे उसी के क्रॉक्स पहन के पिंक कलर के, और हंस दिए कि ठीक है गुरुजी स्ट्रेस भी रिलीफ राइट वे कर देते हैं, कि हंसी निकल गई। तो यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी पल पल साथ हैं हम सबके,
इसी के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि जब आप सोल कनेक्ट हो जाते हो, तो हम सब ने बहुत बार सत्संग सुने, उसको गाड़ी भी मिली है तो उसकी ड्रीम कार मिल गई है उसको, मर्सिडीज GLC जो गुरु जी की भी फेवरेट रही हैं, तो वो ब्लेस किया उन्होंने वो भी उसको, वो खुद लेके आना चाहेगी यहाँ पे, वो कह रही थी ले जाओ, लेकिन मैंने कहा तुम लेके आओ, खुद गुरु जी के पास आओ। तो यही कह रहा हूँ कि जब आप सोल कनेक्ट हो जाते हो, हम सब ने सुना है कि गुरु जी ने मेटलिस्टिक चीज़ें ब्लेस की, सब लोगों को गाड़ियाँ दी, बिन मांगे जॉब तक, जो अप्लाई तक नहीं की थी वो मिल गई, वो सब भी हुआ, उसको अभी रिसेंटली जॉब भी मिल गई है। तो फैमिली पूरी ब्लेस्ड है, बच्चे बहुत खुश हैं फैमिली में, वो गुरु जी महाराज की कृपा है। तो यही कहना चाहूँगा, गुरु जी महाराज हमें अपने चरणों में रखना, जो सोल कनेक्ट दिया है वो उसी को बनाए रखना, और इसी तरह हमें अपने चरणों में रखे रहना। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी।